इस रमजान सबकी देखा देखी जोया को भी रोजा रखने का शौक हुआ। जोया बेटा, मम्मा के साथ रोजा नहीं रखना। मम्मा बस 5 मिनट। जोया बेटा चलो जल्दी जल्दी खा लो, फजर की अजान का वक्त हो रहा है। तुम्हें थोड़ा आहिस्ता खिलाए। रोजा भी रखना है और खाना भी नहीं खाना, बाद में पगली को भूख लगेगी। मम्मा अजान हो गई। जोया बेटा चलो आ जाओ खाना खा लो। पर मामा रोजा तो मगरिब पर खुलता है। मेरा बच्चा छोटा बेबी, आप जोहर के वक्त खोल लो, छोटे बच्चों का आधा रोजा होता है। ठीक है। छोटी है ना, अभी छोटा रोजा ही सही। रोज के काम काज, सहरी, अफतारी करवाना, इसी चक्कर में पता भी नहीं चलता और फजर हो जाती है। हफ्ता देर ये सिलसिला चला और फिर मैडम की बस हो गई। जोया बेटा चलो उठो, रोजा नहीं रखना है बेटा। मुझे आज रोजा नहीं रखना मम्मा। अच्छा ठीक है बेटा, सो जाओ। अभी छोटी है ना, आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस होगी। जोया बेटा आपने खाना खा लिया? नहीं मम्मा, आज मेरा पूरा वाला रोजा है। पूरा वाला रोजा? लेकिन बेटा शहरी के बगैर तो हम रोजा नहीं रखते। मामा बीना समझती है मैं छोटी हूँ, समझती है मुझे आधे रोजे का पता ही नहीं। आज मैंने भी मम्मा वाला रोजा रखा है। हर किसी को सहरी करवाती है, खुद एक खजूर खा लेती है। ये मेरी मम्मा है, मैं इन्हें जानती हूँ। ये इतनी जल्दी बड़ी हो जाएगी, मैंने कभी सोचा भी न था। इसीलिए तो कहते हैं कि बेटियां ही माँ को समझ सकती है। इस रमजान को मुकम्मल करें प्यार और रिश्तों की मिठास से।